हिंदी हास्य नाटक गधे की बारात। सावन की ठंडी बुआ में कजरी की तान छेड़ सकूं।
दानी तौर गरमाई का आनंद ले सको। अरे भैया हम घरे जाके कुमार भैया माटी के आदमी है भैया, माटी में पैदा हुए, माटी में पले बड़े, माटी का उड़ते, माटी का खाते, और एक दिन इसी माटी में। सच कह रहा हूं भैया, जिंदगी में रत्ती भर भी सुख नहीं भोगा मैंने। नहीं कहते हो भैया। अब तुम ही बताओ, जिसने ये मुंह बनाया उसी का नाम इस मुंह में नहीं तो मनुष्य ही होनी बातें किया क्या? अरे धिकार है ऐसी जिंदगी पर। ओ सुनो दीप से कहता ए रोटी दे, तो जानते हो क्या कहती है वो? क्या कहती है? जी पहले गधे हक के लाओ फिर रोटी खाओ। साली मुझसे ज्यादा उन गधों से प्यार करती। हाँ सच कहता हूँ भैया, जब तक बाल सफेद नहीं हुए थे ना, जब तक बुढ़ापा नहीं आया था, मेरे हाथ में थी बीवी की लगाम। अब तो बुढ़ापे में हो गए जोरू के गुलाम। भैया मेरी क्या सभी का यही हाल चाल है। सच्चा हूँ भैया, मिट्टी ढो गधे हाँ। साला जिंदगी में यही तो एक मिट्टी काम रह गया है। अरे किसी के खेत में घुस गए तो और परेशान। क्या करो सालों को बच गई, मेरा काम रह गया इनको ढूंढते रहो। अबे सालो बेटी थोड़ा इधर हो ना, आपके पीछे देखो कौन बैठा। अबे सारे तो यहाँ बैठा, मैं तेरे को मार ढूंढ रहा हूँ। आ जा आ जा, अरे शर्मा मत, आ जा। अरे क्यों शर्मा रहा, जाके आदमियों में बैठा ही क्यों था तू? इतने सारे आदमियों में तू बता अलग से नजर आ रहा। डंडे से डरा ले, ऐ दिया डंडा बस, अब तू आ जा। अरे आ जा, हरी हरी घास खिलाऊंगा। आ जा। देख नाटक आदमी देखते गधे नहीं देखते, गधे को बाहर छोड़ते। बहुत बहुत घूम रहे, नहीं चाहिए जीवन का सत्ता। क्या हुआ भैया? अरे ऐसी दुलती झाड़ी, ऐसी दुलती झाड़ी, ये छठी का छुट्टी आ गया रे। अरे गंगी ने, अरे गंगी ने नहीं, तो किसने? गधों ने। गंगी तो अपने पैरों से मिट्टी धो रही होगी और ये गधे सारे अपने पैरों से मुझे रौंद रहे मुझे। मैंने कहा आ गए जी। आ गया कौन? मैं तुम्हारी। कौन? अम्मा? अम्मा नहीं जी, लाडली। लाडली? नानी की मेरी मुनिया सानी। सानी नहीं घरवाली। अच्छा तू कभी? हाँ मेरे जीवन संगी गधे भाग कर लाने हैं या नहीं? लाने लाने लाने। अरे मन के कब से तैयार कर रहे हैं, बाजार लेकर जाने हैं या नहीं? जाने जाने मेरे जीवन संगी। जाता हूँ। कभी कभी तू जी में आता है सब कुछ छोड़ के धुनी ना पाती। वो कहते हैं ना कबीरा संगत साधु की और धरती पर स्वर्गवास। भैया करना धरना कुछ नहीं और माल चलो दिन रात। लेकिन यहां तो उल्टा आ गया। वो कहते हैं ना सज्जन से सज्जन मिले हो गई दो दो पाठ और गधे से गधा मिले खा गए दो दो लाख। जतन कर ले जीते वो करतार मिले ऐसी कब जुम बदार we'll be right back.
जब तक मंत्र अरे ये मंत्र उनको दिया जाता है जिसके मन में परोपकार की भावना हो है? राम नाम सुंदर तरकारी पूरी सब उड़ावन हारी ये भूत वैष्णव जन तो तेने कहिए कि पीर पराई जाने अरे ये बाबा तो गाली वाली लगता अच्छा कलू आओ हम तुम्हें दीक्षा देते बेटा कलू मांगो भिक्षा और ले लो दीक्षा बाबा तू दीक्षा दो मारी बातें ध्यान से सुन ध्यान से बाबा ध्यान से पर धन को पमन जान ठीक पर स्त्री माता समान है शांत मन मंदिर समान ईश्वर का करो ध्यान इसी में है सबका कल्याण समझ गया बाबा समझ गया पर धन को पमन जान पर स्त्री नहीं नहीं बाबा अगर कोई चमक चलो खुदी चलते आ जाए तो पकड़ लो उसके दो अरे 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 क्या बात कर रहे हो चरण पकड़ लो आपने कुछ छुपा रखा है इसके अंदर हाँ इसमें एक बॉडी सावर है एक बॉडी सावर तुम हमें क्या बिन राजे समझते हो नहीं नहीं आपको तो मैं साईं बाबा समझता हूँ साईं बाबा बाबा ले लो ना मंत्र अच्छा लाओ कानी धर कपिया इधर बुगड़ाऊं बुगड़ाऊं छोकड़ा अरे बाप रे मंत्र भूखा या भूखा अरे कहां है समंदर भूखा बहरा कर डाला अब किसी डॉक्टर के क्लिनिक में गया ना वो खड़ा भी नहीं होने देगा कहेगा कोई आदमी तुम्हारे घर में थूक गया तुम खड़े खड़े क्या करे तो क्या जवाब दूंगा मैं देखो कलू तुम्हारी बकवास नहीं चली तो आज से हम तुम्हारे गुरु और तुम्हारे चेला नहीं तो पट्टा सही पट्टा तो गुरु को होता है सत्य वचन बाबा तो ठीक है आज से मैं तुम्हारा शिष्य और तुम महामुनि जय गुरुदेव गुरुदेव इसी बात पे हो जाएगी कौवा हे क्या बोलता है पवनी पवनी तो चासी चाहा नीचन की बीच है चाहा ना होती बीच में तो तुम होते ब्रह्म स्वरूप चल चलते हैं अपने घर को हमें वैसे भी इंद्र दरबार जाना है इंद्र दरबार या होटल दिल्ली दरबार उसे तो पाके का ढाबा ही बना हमें होटल नहीं जाना है तो हम जा रहे देवराज इंद्र के दरबार देवराज इंद्र के दरबार में बाबा सच सच बताओ तुम हो कौन हमने कहा हम 33 करोड़ देवी देवताओं के गुरु 33 करोड़ देवी देवताओं के गुरु अरे गुरु गलती हो गई माफ करो गुरु अच्छा माफ करो गलती हो गई क्षमा नहीं क्या क्षमा क्षमा लगाती है माफी मांग रहा हूँ तो माफ करो अरे हाँ हाँ माफ कर दिया क्षमा कर दिया भाई कर दिया माफ हाँ हाँ बुद्धि के हिसाब से अरे चौका छोड़ गुरु इतना लंबा चौका पैदा रखा है इसके नीचे भी कुछ पैदा है क्या हमें स्वर्ग जा रहा है स्वर्ग जा रहा बाबा अरे बाबा स्वर्ग तो मैं भी जाऊंगा कबलू अब क्या करोगे तुम्हारे अकेले की मनोबली है क्या देखिए कल हट करना ठीक अच्छी बात नहीं देखो गुरु शास्त्रों में लिखा है कि चेले की हर हट गुरु को पूरी करनी चाहिए तो आपको भी पूरी करनी पड़ेगी अच्छा ये बताओ तुम जाओगे कैसे जैसे तुम जाओगे हम तो धैनु की पूंछ पकड़कर अब सागर पार कर जाएंगे हम तुम्हारी पूंछ पकड़कर तेतीस करोड़ देवी देवता यहाँ उपस्थित है परंतु हमारे ऋषियों का कुछ भी अता पता नहीं और तो और हमारे गुरुदेव गुरु बृहस्पति तक नहीं आए देर से आने की परंपरा है जी भगदेव जो आधे में जितना बड़ा उतना ही लेगा इसका फैसला करना होगा हम आज इस पर एक कमीशन बिठाएंगे इसका नाम हुआ लेट कमीशन अरे गुरु यही है स्वर्ग हाँ यही है इंद्रसभा इंद्रसभा जैसे राज्यसभा विधानसभा लोकसभा वैसे ही हाँ हाँ वही समझ लो वही अच्छा एक बात बताओ बोलो बोलो इलेक्शन हो गए तुम यहाँ पे एमपी हो क्या ये कर यहाँ पे तेरी शेख की जेल में बातें नहीं चलेगी तो कैसी चलेगी अब यहाँ जैसा खेल वो जैसा तुम्हें मानना पड़ेगा मान ही रहा हूँ मैं तो अभी तक तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे शांति रखनी पड़ेगी ठीक है नहीं नहीं बाबा शांति को तो तुम्हें रख लो ना मेरी तो गंगे भरी शांति मतलब अमन चैन ओ यू मीन पीस हाँ यानी कबूतर की चोंच में डाली सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी ओ तू तो आओ तू तो भलो हे खलू गुरु जी है मैं कौन ये यहाँ के द्वारपाल हाँ
चरखासी है यहाँ के? अरे नहीं नहीं, यहाँ के अंगरक्षक यानी सुरक्षा कर्मी है। ओ यू मीन सिक्योरिटी वर्क? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। इनके हथियार कहाँ है? इनके हथियार तो देर रात इंद्र ने जब्त कर ली। अरे क्यों जब्त कर ली? फिर बिना हथियार की सुरक्षा कैसे होगी? कमाल की बात कर रहे हो। कि यहाँ पर पूरी तरह से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम है। कैसा? अरे पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज है। कहाँ से मंगाया? ये चाइना से इंपोर्ट किया गया है। चाइना से? बाप रे, चाइना ने अपनी मार्केट यहाँ तक बढ़ा दी। वैसे कहते हैं चाइना का माल का बहिष्कार करो बहिष्कार करो, तो ये तो यहाँ सूरत में दुकान खोले बैठा है। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती। पिछले साल मैंने 101 बल्बों वाली लड़ी ली थी, इस साल चलाई ना, एक बल्ब भी नहीं चला। तो चेक कर लू। गुरु ये तो ढीला टाइप करना पड़ेगा थोड़ा सा। अवश्य अवश्य। हाँ ये ठीक है गुरु, ये ठीक है। ये भी कुछ कुछ ठीक ही है, टाइप है बुरा नहीं, ये ठीक। अरे बाप रे गुरु, ये तो मारते भी है। अरे जब सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है तो इनकी क्या जरूरत? ऐसा है कानून, जल्दी रन के बाद इनकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, और सफर स्टाफ को निकाला भी जा सकता है। अरे क्यों नहीं निकाल सकते? इनकी यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओ यू मीन समथिंग समथिंग, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बार बार देवराज हुक्म करो बादशाह, हुक्म करो बादशाह, देवराज कहो इंदिरा का है। तुम्हारा हुक्म सिर मत दे दे, तुम्हारा हुक्म सिर मत दे दे। ओ क्या ना कर लो भैया, चुप रहते हो आप मनमोहन सिंह तो नहीं? चुप ही रहते हो। राम प्रभु, राम राम प्रभु। बाहर में बाबा रुक के मारे ला गया से, बाहर भाई बाबा रुक के मारे ला गया से। अरे वो कोई बाबा नहीं, हमारे गुरुदेव है गुरु बृहस्पति, उन्हें आदर पूर्वक अंदर रह गया। इपे लाया तावड़ी तावड़ी, इपे लाया तावड़ी तावड़ी। ये बढ़िया चाल है। जी आया नू, जी आया नू। प्रणाम। हाँ। अबे बाप रे बाप, अबे चरमासी के बाद मेरे को धक्का क्यों मारा? मैंने तेरे बाप का खा लिया। अबे ओ खोते रे पुत्रा, ओ खोते रे पुत्रा। इंदर सभा है ये, इंदर सभा है ये। मेरे बापू का घर नहीं, मेरे बापू का घर नहीं। ज्यादा जबरदस्ती की थी, ज्यादा जबरदस्ती की थी तो तेरे दंड शंद पन देगा, मेरे दंड शंद पन देगा। फिर चुगली करना, चुगली करना। ये तो तुम तो कपा दंड शंद पनेंगे। ओ भाई क्यों खाम खा आगे जाने वाले से झगड़ा मोल लेते रहते हो तुम यहाँ स्वर्ग में भी? अरे तुम्हारी वैल्यू क्या है? वैल्यू से बड़ी पूछ, वैल्यू से बाबरी बोल। बिन पूछे बिना पूछे भीतर घुसन की, भीतर घुसन की कोशिश करी थे, कोशिश करी थे। बिजली का, बिजली का सारा सिस्टम, सारा सिस्टम चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। हमको दे मुंह, तो हम दे मुंह, मुंह पड़ेगा, मुंह पड़ेगा। जैसे बिन लादेन का, जैसे बिन लादेन का पहला हुआ, पहला हुआ। अमरीका का, अमरीका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। गुरुदेव ये बाहर शोर कैसा है? देवराज हम बताना भूल गए, आज हमारा शिष्य कल्लू भी आया है। ओह इनके आग लगी प्रभु, इनके आग लगी प्रभु। अतिथि को अंदर आने की अनुमति है? इपे लाया तावड़ी तावड़ी, इपे लाया तावड़ी तावड़ी। सॉरी जी मार दी, फर्क में आ गया। अंदर चल अनुमति है, अंदर चल अनुमति है। कौन अनुमति है भाई? दोनों अनुमति अंदर वाले, अंदर कोई। ओह ये तो मारते ज्यादा बात कम करते हैं। खैर स्वर्ग में तो आई है। राम राम भाइयों, अरे राम राम। कमाल है ये देवता है मनीष्टर, एक आम आदमी से बात करने को तैयार नहीं। अभी कोई प्रिंसिपल आता था ना, इनकी पूरी की पूरी रिसेप्शन कमेटी उसके स्वागत के लिए तैयार नहीं हो जाती। अरे इनको इतना भी नहीं, एक आम आदमी पृथ्वी लोक से सीधा स्वर्ग में आया, वो भी बिना रॉकेट के। तो उसको दारू वारू ना सही, चाय तो पूछ ले। खैर कल कुमार अभी दिखाता हूँ अपनी कुमार विद्या। हाँ भाई कब से तुम जो पीछे बैठे तुम खड़े हो।
सिंहासन पर एक आम आदमी के बैठने की बारी है। ये कोई हिंदुस्तान का सिंहासन तो है नहीं कि 10 साल राज करने के बाद भी 15 साल की तैयारी की जाए। आप कहते तो उठ जाता हूं मैं। एक बात तो बताओ, ये है कौन? ये तो सभी देवताओं के राजा इंद्र है। ओ, तो ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? हाँ हाँ, यही समझ लो। अरे मोदी जी, आप मेरे को बताना, अरे बैठो इलेक्शन में टाइम बैठो। इधर आओ, अरे इतने साल से इस कुर्सी में बैठे हो, कभी साफ तो करवा लिया करो। गुरु आसन थोड़ा मैला हो रहा है, कहो तो साफ कर दू। अवश्य। ये हो गया जाए तो अब बैठो। अरे बैठो, नाराज मत हो, बैठो 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 बैठो, नाराज तू भी बैठ जा। अबे बैठ जा नाराज, बैठ जा। अबे बैठ, बिना डांट के बैठते भी नहीं है। खैर गुरु, एक आम आदमी इस कुर्सी पे बैठेगा ना तो कुछ दिनों बाद जाके जेल से सरकार चलानी पड़ेगी। देवराज, ये हमारा शिष्य गुरु यानी आपका गुरु भाई है। ओ गुरु भाई, अरे आओ दादा, आओ मेरे गले लगाओ। दादा ऐसे कर देशों को निपालता मैं। कल्लू, ये क्या कह रहे हैं? भगवान स्वयं तुम्हें गले लगाना चाह रहे हैं और तू हो की? देखो गुरु, मैं दिवाली ईद और गमगी के अलावा गले नहीं मिलता। ये तुमने क्या किया मूर्ख? भरी अप्सरा में रंभा का हाथ पकड़कर
लंबा था तो मेरे अनजाने में पकड़ लिया था देव कृपया मुझे माफ कर दीजिए और अपने श्राप वापस ले लीजिए। क्या कह रहे हो भैया, क्या कहा तुमने? श्राप वापस ले लो। सुना तुमने, कह रहा श्राप वापस ले लो। अरे श्राप ना हुआ नवजोत सिद्धू भाई सीफा हो गया, तुम आ गया कल वापस ले गया। देवराज हम जानते हैं तुम्हारे मुख से निकले शब्द घट नहीं जाते, क्योंकि चित्र सैन हमारी शरण में आया है। जो आज्ञा श्रोता चित्रसेन, हम तुम्हें वरदान देते हैं, पृथ्वी लोक पर मिथिला नगरी नरेश सत्यव्रत वर्मा की इकलौती पुत्री सत्यवती से विवाह के उपरांत तुम हमारे श्राप से मुक्त हो जाओगे। तथास्तु। अरे ये लाइट काटे नहीं, ए, ए, अरे आपको हमारे दिल्ली में भी लाइट दी जाती, यहाँ स्वर्ग में लाइट अभी भी जाती है। लगता है यहाँ की बिजली सरकारी है, प्राइवेट नहीं हुई। अरे हमारे यहाँ दिल्ली बढ़िया है, लाइट भी नहीं जाती, ऊपर से बिल भी नहीं आते। लगता है यहाँ भी केजरीवाल को देखना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा लाइट पानी को ठीक कर दे रहे यार। गाना कौन सा चल रहा था? पहले चाचा ने मिले, चाचा ने हाँ
मुट्ठी खिलाते नन्हे मुन्ने पत्ते तेली मुट्ठी पिता है नन्हे मुन्ने पत्ते तेली मुट्ठी अजी और कौन मिला आप शास्त्री जी मिले शास्त्री जी हाँ शास्त्री जी मिले वहाँ खेत में हल चलाते आज भी मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती पर गंगी हाँ पर गांधी बाबा का बहुत बुरा हाल हुआ क्यों जी गांधी बाबा का बहुत बुरा हाल क्यों है अरे उनके सत्याग्रह के सारे अखंड फेल हो गए अरे वो कैसे हो गए अरे वहां कोई मरता नहीं तो बेचारे आम आदमी मंचन कैसे करे बस एक कोने में बैठ के चरखा चलाते रहते चप्पा चप्पा चरखा चली चप्पा चप्पा चरखा चली अरे बंद कर रे चप्पा चप्पा चरखा चलाना तुम तो ये बताओ तुम्हें हमारे माँ बाप मिले हमारे माँ बाप स्वर्ग में हाँ 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 मिले 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 अच्छा तुम कैसे रहो देखो मेरे माँ बाप तो बड़े मजे का है अच्छा ये तो अच्छी बात है और मेरे माँ बाप गंगी तुम्हारे माँ बाप के हालत ठीक नहीं है क्यों जी मेरे माँ बाप की हालत ठीक क्यों नहीं है देखो मेरे माँ बाप ने किए थे अच्छे काम इसलिए वो तो एसी मेट्रो में घूम रहे हैं रोजाना सुबह शाम जूस पी रहे हैं और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेरे पल्ले बांध के किए थे बुरे कर्म इसलिए वो नरक में गाड़िया बुरे गाड़िया अच्छा तुम्हारे पल्ले बांध के मेरे माँ बाप ने किए थे बुरे कर्म इसलिए वो नरक में गाड़िया बुरे बहुत हो गए सवाल अपना घर पर अरे सुन तो क्या है मैंने कहा है अच्छा ये सब चर्चे अरे हमारा सारा कारोबार जाता है उन गधों पे भरोसे और तुमने उन्हें छोड़ दिया राम भरोसे तुम्हारे गधों को इस गंदगी की आदत हो तो ही तो रहने का गंदगी के पास रैना बेवकूफ की बेवकूफ अरे चार दिन से मियाँ घर में नहीं थे ये ना हुआ एक गधे को ही पटा लेते गधे तो हमारी किस्मत में हमें पटाने पड़े काले पता नहीं बार बार गायब होता है अबे गधो तारो कहाँ गायब हो गए मैं स्वर्ग से भी घूम के आ गया इस साले अभी तक घर नहीं पहुंचे अबे गधो अबे कहाँ हूँ पहले तो वहां बैठा था नहीं अब तो नहीं है वहां अबे साले कहाँ चला गया अबे गधो भाई साहब थोड़ा करो ना क्यों बेटा तू क्या सोच रहा अरे तू सीट बदल के वहां से यहाँ बैठ जाएगा तो मैं तुझे पहचानूंगा नहीं बेटा इतने सारे आदमियों में तू गधा अलग से नजर आ रहा है घबराता क्यों है अरे डंडे से डरा ले बेटा फेंक दिया बस अब तो कुछ ये ले डंडा अब आ जा आ जा देख हरी हरी घास खिलाऊंगा आ जा शर्मा मत अरे गंदी हमारे तो दो ही गले थे ये तीसरा कहां से आ गया चित्रसेन शॉप का हमारा बना फिरे गधा बेचारा मिला ना जिसको कोई सहारा मिथिला नगरी आम पता ओ भाई मेरी दो मदद गधों के साथ अच्छी खासी जिंदगी चल रही है हमें तीसरे की जरूरत नहीं है वैसे भी परिवार नहीं इधर का जमाना चल पा गया ये तो मारता भी है अलग वाइफ ये तो ऐसे गायब हो गया जैसे दिल्ली से कांग्रेस की सीट गंगी अबे सारी तू यहाँ बैठा मान ना मान मैं तेरा गवाह बात बात अरे बाप रे गंगी ये तो मारता है इसका मालिक आए तो मना मत करना किसके लिए मना नहीं करना अरे गधे के लिए और किसके लिए तो ये बोलो ना मैं तो घबरा ही गई अच्छा हुआ तूने पूछ लिया ए जी ये गधा तो बड़ा ही सुंदर है ना ए गंगी तेरी नीयत तो ठीक है पार्टी पर बुलाया था मगर यहाँ तो कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं आए क्यों नहीं महाराज मैंने तो सभी को इनविटेशन भेज दिया था व्हाट्सएप पर स्टोरी भी लगा दी थी इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी लगा
अब कोई नहीं आया तो मैं क्या करूं? छोड़िए उन बातों को, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? पक्का मंत्रिमंडल में फिर से कोई फेरबदल करना होगा? पिछले ही महीने 4 नए मंत्री बने और फिर से किसी नाराज को मंत्री बनाना होगा? हर बार नाराज को मंत्री बनाते रहते। दीवान जी, हमें आपसे घरेलू बात करनी है। घरेलू बात? आपका घर वाला क्या नहीं मानेंगे। अरे माननी चाहिए। नहीं मानेंगे। अरे माननी
नहीं मानेंगे, नहीं चाहिए, नहीं मानेंगे, अरे माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, अरे क्या क्या करते रहते हो तुम? किसी की माँ को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा हूँ कि एक झोपड़ी बनाने में सात दिन का वक्त लग जाता है, और बिटिया रानी एक फ्लैट बनाने में 7 महीने का वक्त लग जाता है, और अगर ये फ्लैट का केजी दे दिया फिर तो ये फ्लैट 70 साल में नहीं बन सकता। तो बताइए महाराज, एक रात में इतना बड़ा अगर कौन बना सकता है? बिटिया दीवान जी ठीक कह रहे हैं, ये काम कोई नहीं कर पाएगा, और तुम्हें पूरी जिंदगी भर बाप के पास रहना पड़ेगा। दीवान जी महाराज, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े बाप के होते हुए बिटिया रानी को शादी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? क्या इतने नकारा हो गए हैं? क्या कहा महाराज? मैं ये कह रहा हूँ कि बिटिया तो शादी के बारे में सोच रही था, शादी रंगी थी तो मुझसे कहती मैडम मर गया था। तो तुम क्या करते क्या करते? महाराज मैं प्लाट प्लेस से लेके मंडी हाउस तक राजकुमारों की लाइन लगा देता, से आगे जाकर मैं खड़ा हो जाता। Dad, this is too much. Yes, this is too much. तुम सबसे आगे क्यों खड़े हो जाते? क्यों खड़े हो जाते? महाराज, राजकुमारों का स्वागत करने के लिए। और बताइए, क्या राजकुमारों का स्वागत करने आ जाते हैं? दीवान जी आप बातें तो ठीक करते हैं, पर झोल मोल करके करते हैं। क्या है ना महाराज, राजनीति में हो इसलिए आदत चला जाए। दीवान जी बिटिया जब से दून स्कूल से पढ़कर आए बहुत मनमानी हो गई। महाराज ये सब आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी का ही नतीजा है। एक्सक्यूज मी, हमें कुछ नहीं पता, जो हमारी शर्त पूरी करेगा हम उसी के साथ शादी करेंगे। दैट्स फाइनल, अंडरस्टैंड? राजकुमारी सत्यवती, राजकुमारी। महाराज राजकुमारी गई। दीवान जी दुनिया में 3 हट मशहूर है, एक बाल हट, राज हट, और तीसरा महाराज पिज़्ज़ा हट। अरे पिज़्ज़ा हट नहीं, रिया हट, और हमें इसी के मुताबिक चलना होगा। आप तो बस ऐसा कीजिए, देश विदेश के अंदर खबरें भिजवा दीजिए और राजकुमारी की शर्त जाहिर कर दीजिए। महाराज मैं भी मेक माय ट्रिप पर जाकर फॉरेन टूर बुक कर लेता। अरे कोई फॉरेन टूर बुक करने की जरूरत नहीं है, अभी तो देश में भी रह गया करो। वैसे भी चुनाव का माहौल है, इलेक्टोरल बोर्ड का मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट की सुनता नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनाव के चक्कर में जेल में डाल दिया, और पता चल रहा है दबा दिया हमारे हिमाचल का भी बैठा है। खैर सारी चीज दबा ली है, आप तो बस ऐसा कीजिए विदेशों के अंदर सैटेलाइट और ईमेल के जरिए खबरें भिजवा दीजिए, और शहर में ढोंडी पिटवा दीजिए। ढोंडी? लेकिन महाराज ये ढोंडी बोलेगा कौन? अरे अपना तो मैंने ढोंडी बोलते ना। अरे महाराज उसको तो पिछले महीने छटनी में निकाल दिया गया। अरे तो क्या बात है, आसमान का काम है, एक ढोल वाले को दो, चौक पर जाओ लोगों को इकट्ठा करो और राजकुमारी की शर्त जारी कर दो। लेकिन महाराज बोलना क्या है? अरे दीवान जी इतना भी नहीं जानते आप? अरे सुनो मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, रुको 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 दीवान जी। महाराज जो कोई भी एक रात में महल की ड्योड़ी से मुफलिसों की बस्ती तक पुल बनाएगा, उसकी शादी राजकुमारी के साथ कर दी जाएगी। महाराज चले अगले चौक पे। दीवान जी महाराज मैं ये कह रहा हूँ कि अगले चौक से आप राजपथ चले जाना, मैं जनपथ चला जाऊंगा। लेकिन हमारा विचार है कि दीवान जी आए
दीवान जी अरविंद की बात जेल जेल कर दिया ईडी ने देख के आता हूं छोड़ा कि नहीं कर पाएगा वही उसका पति कहलाएगा वही कहलाएगा तू
मंडावली अबे मंगोल मेरी मंडावली में मंगोल मंडिया हाँ चल चल मंडिया अबे नहीं मंडिया उस नहीं जाएंगे अबे क्या है ना इलेक्शन आने वाले अब इलेक्शन में नुक्कड़ नाटक करेंगे लोग और नुक्कड़ नाटक में लड़कियों की है कमी अबे वहाँ पर जाएंगे तो पीड़ा कोई नहीं उठाएगा राजकुमारी को उठाकर ले जाएंगे और वहाँ गली गली राजकुमारी से नुक्कड़ नाटक करवाएंगे इसीलिए मंडिया उस नहीं जाएंगे अब बता कहाँ चले ये तो चला गया घर बोलता हूँ मैं कुछ कराने लगा तो चला गया घर और मैं भी चलता हूँ मैं मैं विशुद्ध भारतीय गधा हूं कल्लू जाओ
बीड़ा उठा कर ले आओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। माला माल? जल्दी जाओ तुम बीड़ा उठा लो, अरे हम माल हो जाएंगे। माल अगर इसने राधा की शर्त पूरी नहीं की ना तो राधा मुझे फांसी पे चढ़ा देगा। लो जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, ज्यादा मत सोचो, तुम जाकर बीड़ा उठा लो। ये हमारी गरीबी दूर नहीं करेगा, ये मुझ गरीब को तुमसे बहुत दूर कर देगा। कैसे जाओ? मैं मेरा विश्वास करो कल्लू, जाओ बीड़ा उठा। देखो वो गधा कह रहा है, विश्वास करने में क्या हर्ज है? अब ज्यादा मत सोचो, बीड़ा उठा। नहीं नहीं कंगी, मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ जो एक गधे की बात में आके गधा बन जाऊं। महाराज, इतनी चीख पुकार तो मैंने आपके
धक्के नहीं संभाल लेते तो ब्याह क्यों किया था? और कान खोल के सुन ले, जब भी मैं किसी जरूरी काम से जाऊं मेरे को पीछे से क्यों काटो कि बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? कौन जा रहा? किसका फोन था? मेरी बीवी का। तेरी बीवी का फोन? और इस दीवान के फोन पे? आज नाराज क्यों होते हो? आते हुए जंगली का दीवान जी को मोबाइल नंबर दे के आया था। अरे फोन करते कि इसने दे दिया था मेरे। और वैसे भी महाराज अगर कोरोना का सैटेलाइट नहीं गिरता ना तो इसमें आप गंगी का 3D फोटो देखते। सैटेलाइट क्यों किया ना आप? थोड़ी दिखाई देगा। अरे ऐसे फोन तो हमारे खजाने में पड़ा है। क्या तुम महल में घरों की दुकान वाले कैसे खरीदा है? हाँ तो कल्लू, क्या कह रही थी तुम्हारी बीवी? महाराज मेरे घर में सिविल बात हो गया। सिविल बात मतलब? अरे महाराज मेरे और गंगी के बच्चों ने मिलकर आज हमारे बच्चों को भेज दिया। मेरे और मेरी गंगी के बच्चों ने हमारे बच्चों को भेज दिया? हाँ। क्या कुछ समझ नहीं आया? समझा दू? हाँ देखो महाराज, गंगी के पहले पति से 2 बच्चे, मेरी पहली बीवी से 3 बच्चे, अब ये बताओ कितने हुए? 5। और अब मेरे और गंगी के हो गए 2 बच्चे। आज साले उन पांचों ने मिलके मेरे 2 को फेल दिया। पांचों ने मिलके 2 को फेल दिया? क्या कुछ समझ नहीं आया? महाराज महाराज मैं समझाऊं? महाराज देखिए, अच्छा मारना।
मुझे लिखवा लिया, अब ऐसा करो आप भी मुझे लिख के दो। कर लू, हमसे लिखवाएगा, हम यहाँ के राजा है राजा। बिल्कुल ठीक, मैं काले चोर पे विश्वास कर सकता हूँ लेकिन आप जैसे राजाओं पे बिल्कुल नहीं। आप लोग वक्त आने पे मुकर जाते हो, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। अगर आप अपनी बात से मुकरे ना तो ये कागज मैं आज तक वालों को लेके आऊंगा, आज तक वालों। महाराज जब तुम होते चल रहे तो कैसे लिख के दे दो। हाँ महाराज, मैं राजा सत्यव्रत ये घोषणा करता हूँ। घोषणा करता हूँ, यदि मैं राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाया तो आगे एक और कोमा कोमा क्यों लगाऊं मैं? नहीं लगाना पड़ेगा। अबे एक संजय छह कोमा नहीं लगाऊं, तू ये लगाओ किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर खड़ी है। तो क्या करें?
सीबीआई का काम। सीबीआई तो शाहरुख खान के बेटे बेटे के पीछे भेजी थी ना। ईडी का काम। ईडी महाराज तो केजरीवाल को पकड़ के ले गई ईडी। कोई नई एजेंसी बनानी पड़ेगी कोई। अरे भाई अब क्या करें, क्या करें, जल्दी बताओ। ये तो पता है। अरे तो बताऊँ सर में दर्द क्यों नहीं हो रहा?
इसे देखकर मुझे आने चक्कर। ए भाई कोई बना देना, बना दे बोल, बना दे, अरे बना दे, अरे बना दे मेरे बाप। क्यों कल्लू, समय आने पर बना लिया गधे को बाप। जाओ देखो वो तैयार है। बहुत जी बाप, क्या शानदार पुल तैयार कर दिया हमारे बेटे ने। अरे गंगी, ये पुल तो मूलचंद के पुल को भी मात कर रहा है। अजी वो देखो नीली हरी पीली लाल कितनी सुंदर पत्तियां जम उतार रही है। सारी बस ऐसी चल रही है बैटरी वाली, पोल्यूशन भी नहीं हो रहा आपका। गंगी ऐसा कर, बच्चे के लिए खाने के लिए निकाल। आज मैं अपने हाथ से सिखाऊंगा अपने बेटे को। बेटे तुमने बहुत बड़ा काम किया, आ जाओ आ जाओ। आदमी तो आदमी अब गधे भी औरतों के हाथ से खाते। और मैं बनूंगा राजा का समधी। और मैं बनूंगी राजा के समधर, यानी कि पांच उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। ले जाएंगे गधे वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे रह जाएंगे। Oh,
पहले जा, सबका मुंह दिखा कर बेटे को भी ले जा। आ जाओ भैया, चल चल बेटा चल। पहले मिठाई और केला भी ले। गुलाब जामुन खाना है? अरे करीना, मैं तो नाच नाच के थक गई है। ओए माँ, मेरी कमर ये लचक गई। ए हैंडसम, ऐ जरा इधर को आना। मैं? हाँ, तुझे बुला रही हूँ तुझे। शादी पक्की हुई है ना? हो गई। हाँ, खुशी का मौका है ना? बिल्कुल। हाँ, तो 5,000 केक लेके जाऊंगी। हाँ, 5,000 बनारसी साड़ी खुद जो मैं फटा पजामा पहन के घूम रहा हूँ। ये जूते में देखो पीछे छेद हो रहे हैं। तुम्हें साड़ी दे दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। बोल दिया। ए हैंडसम, सब कुछ तो है तेरे पास। अरे कुछ ना तो मेरे पास कुछ ना सिवाय ताली बजाने के। अरे मेरे पास तो ताली भी ना है। अरे कह दिया ना मेरे पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। अरे करीना, ऐसे नहीं देगा। हाँ तो पैसे देगा। इसे दिल्ली दर्शन कराना ही पड़ेगा। आप करवा दे इसको दिल्ली दर्शन। आप तो क्या कहते हैं, इसे दिल्ली दर्शन करा दे। क्या कहते आप भी काम का हाँ बने। अरे पता नहीं है क्या इधर दिल्ली दर्शन। दिल्ली दर्शन नहीं कुछ नहीं है क्या, कहीं से ले लो। ये गर्मी कौन है? मेरी बीवी है। अच्छा जो है हेमा मालिनी। अगर वो हेमा मालिनी है ना, मैं भी अपने मोहल्ले का ना कैटरीना हूँ। कैटरीना जो मैं चलती हूँ ना, आवाज आती है मुझे देख के मोहल्ले के लड़के के जी करते हैं। अरे मुझ में मरते हैं और मुझे सीटियाँ मारते हैं। दिल आ गया कह देना अपने दिल की बात। अगर तुम मिल जाओ धंधा छोड़ देंगे। अगर तुम मिल जाओ धंधा छोड़ देंगे। लोग मुझे बैंकर अब कहेंगे। दीवान जी,
सच्ची मिट्टी के मटके ले लो, महाराज की सच्ची मिट्टी के मटके ले लो, महाराज के नहीं हो सकता। लेकिन हमने उसे वचन दिया है और हमने तुम्हें भी दिखाया है, सदा चली आई प्राण जाए तो वचन न जाए। अरे क्या है ये? अरे तुम? हाँ मैं कह रहा हूँ कि बड़ा तैयार है, कहो तो ले आओ। ले आओ तल्लू, ले आओ। ठीक है, ले आता हूँ। मेरा क्या? चली रे चली रे चली रे। आ आ आ आ। महाराज आइडिया आइडिया। महाराज इलेक्शन के दृष्टिकोण से ये स्टंट बहुत ही अच्छा है। तू मेरी इलेक्शन स्टंट? हाँ महाराज, राज घराने की शादियां सदियों से राजनीति का हिस्सा रही है। महाराज ये शादी हम धूमधाम से करेंगे और हमारा नारा होगा गरीबी हटाओ का प्रत्यक्ष प्रमाण। नए पुल से गरीबी अमीरी का अंतर समाप्त। हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब। वेरी गुड। लेकिन राजकुमारी, महाराज दूल्हे को गंजवाई बना लेंगे कमाल घर में। लेकिन मुसीबत की असली जड़ तो ये पल है, महल की डोरी से मुफलिसों की पट्टी तक। महाराज बिल्कुल ठीक कहा आपने, सदियों से हम इस पुल को बनाने की घोषणा तो करते आए, हर बार फाउंडेशन स्टोन डालकर बाढ़ में बह जाने के लिए छोड़ देते। अरे लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा? इसका उपाय मैंने सोच लिया है महाराज। सोच लिया है? हाँ सोच लिया है। हाँ महाराज सोच लिया। दिवाली पूरे राज्य में उत्सव की तैयारियां करो, जगह जगह कॉमेडी नाटक बुलाओ और उस रियाना को मुलाजिम कराना। ठीक है, 70 करोड़ लेगी मगर ईडी में लागत 35 करोड़ से चंदा भी साथ में ले लेंगे। और हाँ, सेलिब्रिटीज को बुलाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है महाराज, मैं भी मंडी हाउस से चार चार नाटक मंडी को बुला लेता हूँ, राज्य में जगह जगह कॉमेडी नाटक करवा देता हूँ और महाराज आप ऐसा कीजिए, आपकी बात उन्हें अंदर ले आएंगे।
रहूंगा, यही तो हमारा ग्रेट सीक्रेट है जो बन गए। और अब राजकुमारी से शादी के बाद
हम शाप मुक्त हो गए। मुबारक हो दीवान जी, मुबारक हो, पूरे राज्य में जश्न की तैयारियां करो, राज्य में जितनी भी चीजें हैं सब बजवाओ, जैसे थाली, चिमटा, ढोल, नगाड़ा, एफएम और ये बजा रहे मत भूलो। अरे महाराज, एक चीज तो आप भूल ही गए। कौन सी? शहनाई नहीं बजाओ। हमने अपने बच्चों को भूखा रख के उसे भरपेट खिलाया, ये उसकी कीमत। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ये उसकी कीमत है।
नमकखाना हमसे नमकखाना भी करके चला गया। इलाज तो इस बात का है कि आतंक जो पैनी गरीबों की बस्ती से पहले तक है कभी वापस नहीं लौटा, कभी नहीं लौटा, नहीं लौटा। मांगना होगा माटी से मांग लेंगे, चाहे अपने कुम्हार पाड़े चलते, यहां तुम्हारी रोना सुनने वाला कोई नहीं है।
की बारात में आ भी गए। अगला नाटक होने जा रहा है 7:30 बजे सुनील चौहान जी के निर्देशन में, अरे शरीफ लोग, वो भी बहुत मजेदार नाटक है, आपको अच्छा लगेगा। शरीफों की शराबत उसमें नजर आएगी। उसके बाद हमारा 31 मार्च को नाटक है अक्षरा थिएटर में, आपद में जान और दिग्दर्शक। और उसके बाद 11 अप्रैल को यही हमारा नाटक है उठा मर गया, और नाटक है हमारा होली। मैं चाहूंगा उनके लिए भी अवश्य समय निकाले, और समय समय पर आपको सूचना मिलने के लिए फेसबुक पर हमारा ग्रुप है और इंस्टा पर भी ग्रुप है। मंच आप सब